हेलो एवरीवन, बच्चों की फेवरेट सबसे ज्यादा क्या चीज है? कपकेक। आज हमने जो कपकेक बनाया है ना, ये बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और घर के ही सामान से बनाया है। बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के सामान से ये बहुत ही आसान तरीके से स्पॉन्जी और एकदम जालीदार कपकेक बनकर तैयार हो जाएगा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। तो चलिए रेसिपी को देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए एक बाउल में हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। जो ब्रेड होता है खाने वाला, इसे मिक्सी में पीस लीजिएगा तो क्रम्स बन जाएगा। और इसमें डाल देंगे ओरियो बिस्कुट को हमने पाउडर बना लिया है। ओरियो बिस्कुट या कोई सा भी बिस्कुट का आप पाउडर बना लीजिए। और 2 चम्मच चीनी डाल दे रहे हैं, हमने मिक्सी में पीस लिया है ताकि ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसमें हल्का हल्का दूध डालकर एक बेटर बना लेंगे। लगभग हमने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और इसका बेटर आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा पतला नहीं है और बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी है। तो बस इसमें ना अब हम साइड में रख देते हैं और आपको दिखाते हैं घर के ही सामान से किस तरीके से कपकेक बनाया जा सकता है। ये कोको कोला पीने वाला कप है जिसे हमने कपकेक के लिए इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चाय पीने वाले कप ले सकते हैं। और इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग करने वाला पाउडर होता है वो, और डालकर अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे ताकि ये फूल जाए। इससे बहुत अच्छा कपकेक बनता है, इनो भी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बस फेट कर फटाफट से इसे कप में डाल देंगे इस तरीके से। ये लीजिए, 1 कप में हमने फिल कर लिया है, तो इसी तरीके से अपने सारे कप में फिल कर ले रहे हैं। हम यहाँ पे 3 कपकेक बना रहे हैं और तीनों में बहुत अच्छे से फिल कर लिया है। थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है क्योंकि ये जब कुक होगा ना तो बहुत अच्छे से फूल जाएगा। और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दे रहे हैं, जो एकदम ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दीजिए। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है ना वो डाल सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, जो भी है वो डाल सकते हैं। हमारे पास स्प्रिंकल था तो हम थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डाल दे रहे हैं, इससे लुक अच्छा लगता है। और इसे ले चलते हैं अब कुक करने के लिए। इसे हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं, तो कढ़ाई में नमक रखकर एक स्टेन लगा दिए हैं और इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिए हैं, यानी कि गर्म हाई फ्लेम पे। और बस ऐसे अपने कप केक को रखेंगे और ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हम बहुत अच्छे से पका लेंगे, तो ये एकदम फूल जाएगा कप केक। और आप देख सकते हैं कि एक टूथपिक हम डाल रहे हैं इसमें, और आप देखिएगा टूथपिक एकदम फ्रेश निकलेगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो समझिए कि ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो चलिए, ये तो कुक हो गया है, तो इसे नीचे उतार लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि हमारा कपकेक कितना बेहतरीन हुआ है। और आपको हमने बताया था ना कि घर के ही सामान से बनेगा। इसे आप सूजी से बना सकते हैं, जैसे आप ब्रेड क्रम्स के जगह पे सूजी ले सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। और अब घर में जो चाय पीने वाला कप है या कटोरी, जो स्टील का कटोरी होता है, उसमें हल्का सा तेल ग्रीस करके भी बना सकते हैं। ये कपकेक बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, अभी बहुत गर्म है, हमारा हाथ जल रहा है इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। और ये बहुत गर्म होने के कारण बहुत जल्दी टूट भी जा रहा है, बहुत स्पॉन्जी है ना, एकदम स्पॉन्जी, एकदम सॉफ्ट है। तो ऐसा कपकेक आप भी घर पे बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बाहर से लाने के बजाय आप घर पे बनाइए घर के ही सामान से और बच्चों को खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग भी अपने घरों पे जरूर ट्राई कीजिए, और हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और कमेंट में बताइए ये कपकेक आपको कैसी लगी और आप कब बना रहे हैं।